कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जिस सेंगोल का जिक्र कर रहे ने उसनु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नवी बनी संसद विच स्पीकर दे कोल स्थापित करनगे। इस सेंगोल का सदियां पुराना इतिहास है। 75 साल पहला भी यह सेंगोल हिंदुस्तान की आज़ादी वेले चर्चा का विशा बनया सी। अते हुण जदों दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र कहे जाते भारत में नवी संसद की इमारत तैयार हुई है तो यह मुड़ चर्चा विच है। इस वीडियो राही यह जानने की कोशिश करांगे कि आखिर यह सेंगोल है कि इस दे इतिहास विच की हवाले मिलते हैं। हिंदुस्तान जदों ब्रिटिश हकूमत तो आज़ाद होया उस वेले इस दी भूमिका की सी। सदियां पुराने इस सेंगोल की हुण 21वीं सदी में चर्चा क्यों हो रही है। मैं हाँ दलीप सिंह। सब तो पहला सवाल, सेंगोल नूं किवें चुनिया गया। अगस्त 1947 विच जदों अंग्रेज हिंदुस्तान छड़ रहे सन, भारत दे आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने आखिरी अहम काम की तैयारी कर रहे सी। एक काम सी भारत नूं सत्ता सौंपण दा। कागजी काम पूरा हो चुक्या सी, पर सवाल यह सी कि आखिर सत्ता सौंपण दा चिन्ह होएगा की। लॉर्ड माउंटबेटन दे इस सवाल दा जवाब किसे दे कोल नहीं सी। अजिहे विच जवाहर लाल नेहरू गए साबका गवर्नर जनरल अते स्वतंत्रता घुलाटीए सी राजगोपालाचारी दे कोल। तमिलनाडु नाल संबंध रखण वाले गोपालाचारी भारत दे इतिहासक अते सभ्याचारक अहमियत नूं समझदे सी। उन्होंने सोच विचार तो बाद नेहरू नूं सेंगोल दा नाम सुझाया। जवाहर लाल नेहरू नूं इह सुझा पसंद भी आया। उन्होंने राजगोपालाचारी नूं ही इस दी जिम्मेवारी सौंपी। राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु दे सब तो पुराने मठ थिरुवादुथुराई दे 20वें गुरु महासन्निधानम श्री लाल श्री अंबलवाण दे सिगर स्वामी नाल संपर्क किया। वह बीमार सी पर उन्होंने इस दी जिम्मेवारी स्वीकार की। उन्होंने मन्ने परमन्ने जौहरी वुमिडी बंगारू नूं सेंगोल बनाउण दे लई कहा। सोने अते चांदी दी वरतों, इस नूं सोने अते चांदी दी परत चढ़ा के बनाया गया सी। सेंगोल नूं बनाउण लई 10 कारीगर लगे सी ते इस नूं बनाउण विच तकरीबन 15 दिन का समा लग्या। सेंगोल नूं सौंपे जाण तों पहलां एक पूजा भी करवाई गई सी। 5 फुट लंबे इस सेंगोल नूं बेहद बारीकी नाल तैयार किया गया सी। इस सेंगोल दे सिखर ते भगवान शिव दे वाहन नंदी नूं स्थापित किया गया। किवें नेपरे चढ़ी सी इह प्रक्रिया। तमिलनाडु दे उसे मठ वल्लों एक वफद नूं विशेष जहाज़ राहीं दिल्ली भेजा गया तां जो सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुँचाया जा सके। 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 से सेंगोल नूं लॉर्ड माउंटबेटन नूं दिता गया। उस तों तुरंत बाद माउंटबेटन ने इस नूं तमिलनाडु तो आए श्री लाल श्री अंबलवाण देसीगर स्वामी दे डिप्टी श्री कुमार स्वामी तंबीरन नूं दे दिता। उन्होंने पवित्र जल नाल इस नूं शुद्ध किया। तमिलनाडु की रिवायत मुताबक भजन गाए गए। श्री कुमार स्वामी तंबीरन ने अद्धी रात नूं ही जवाहर लाल नेहरू के मत्थे टिक्का लाया ते सेंगोल उन्हां दे हवाले कर दिता। यही सत्ता की तब्दीली का प्रतीक बनया। हुण सवाल यह है कि सेंगोल का इतिहासक पिछोकड़ की है। सेंगोल की वरतों 8वीं सदी तो हुंदी रही है। दक्षणी भारत के ताकतवर चोला साम्राज का कोई राजा जो अपना वारस चुनता सी तां सत्ता सौंपण वेले सेंगोल उसनू दिता जांदा सी। यह चोला साम्राज के समय तो ही चली आ रही रवायत है। खास तौर पर तमिलनाडु अते दक्षण के होर सूबियां विच सेंगोल नूं न्याय अते निरपक्ष शासन का प्रतीक मनिया जाता है। सवाल यह है कि यह सेंगोल आज़ादी तो बाद हुण तक कित्थे सी। गृहमंत्री अमित शाह के मुताबक हुण तक यह सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम विच सी। उन्होंने मुताबक संसद भवन विच रखण तो चंगी थां कोई होर हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि नवें संसद भवन के निर्माण कार्य दौरान एक टीम ने रिसर्च की सी। PM मोदी के निर्देशों तो बाद इस रिसर्च के दौरान ही सेंगोल का पता लग गया जिस दे बारे लोगों को जानकारी नहीं सी। बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के वुमिडी बंगारू चिट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा।